अजय खमरम जी थे, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हकदार बने थे, उसे पुरस्कृत किया जा चुका है। आप सभी दर्शक वृंदों का फिर से बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ये जो माहौल बना है, गजब का माहौल बना है। और आरवाईसी बगला साहब को उसी माहौल के लिए जाने जाते हैं। हमारे जो दर्शक वृंद हैं, दर्शक मंडली हैं, सभी चाहेंगे कि खिलाड़ियों का परिचय हो जाए। आप समझ में इंट्रोडक्शन कर दूंगा। ब्लैक टाइगर रांची की जो टीम है, मैदान के पश्चिमी छोर पर पीले लिबास में शुक्लाल कुंकल है टीम मैनेजर और कप्तान भी। बहुत बहुत मुबारक हूँ आपको, एक सशक्त टीम को लेकर आए हैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराने के लिए। एक नंबर जर्सी में नजर आ रहे हैं संजय बास की गोल रक्षक की भूमिका में। जर्सी नंबर दो में है शुक्लाल कुंकल, टीम के कप्तान भी हैं। 22 नंबर खिलाड़ी हैं शोभा सरदार। 5 नंबर जर्सी में है मथो हमरम। 8 नंबर में सुचित सरदार। 9 नंबर में कार्तिक सरदार। 17 नंबर में कुंजन टूडू। 11 नंबर में बृहस्पति सरदार और 10 नंबर में रंजीत मुर्मू, जिसके पहले मैच में गोल दागकर अपने टीम को बढ़त दिलाई थी और अंत तक विजय अभियान को जारी रखा। गोल्डिन सरदार है जैसे नंबर 0 में, विनोद टूडू जैसे नंबर 3, मौना मुर्मू जैसे नंबर 7 और सुशील किसकुल जैसे नंबर 15। सीधू कानू एकादश पुरुलिया वेस्ट बंगाल के जो खिलाड़ी साथी हैं, एक नंबर जर्सी में है चंचल, 2 नंबर में कार्तिक, 12 नंबर में सुजीत, 4 नंबर में देव, 11 नंबर में फिलिप, 8 नंबर में महेंद्र, 3 नंबर में गणेश, 13 नंबर में विमल और 10 नंबर में शोभा। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, रिजर्व में रखा गया है इन खिलाड़ियों को। जैसे नंबर 9 में नजर आ रहे हैं सृजन, जैसे नंबर 7 में मिशन मीतोन जो इसके पहले मैच में गोल दाग चुके हैं और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। पंकज है जैसे नंबर 5 में और फागुन है जैसे नंबर 6 में। आपसी गुजारिश होगी कि आप ही अपने खिलाड़ी साथियों को बिल्कुल तैयार रखिएगा और जैसे ही मैच समाप्त होगी उसके उपरांत ही अपने खिलाड़ी साथी को लेकर हमारे फोर्थ रेफरी की जगह पे चले आएंगे। वैसे तो इस टूर्नामेंट को बेहतरीन रूप देने के लिए कई सज्जनों का साथ रहा है, उन सबों का आशीर्वाद रहा है, जैसे सोरेन स्पोर्ट्स एंड गिफ्ट सेंटर बागलासाई की तरफ से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आई है। साथ ही साथ मां सावित्री मोटर्स उनकी तरफ से भी सहयोग मिली है। जय स्कूटर शॉप इनकी तरफ से भी सहयोग मिली है। और बहुत सारे वैसे हमारे साथी हैं जिनकी तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिले हैं, भरपूर सहयोग मिला है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड फैन इनकी तरफ से आई है, अजय कुमार साहब ये भी चांदीगढ़ से, अजय लोधा, आकाश सोरेन, आलोक सिंह, अमित साहब, आनंद आयुर्वेदिक भवन, आनंद एक वर्ष आशीर्वाद क्लिनिक, अशोक चाट, अशोक मेडिकल, बद्रनाथ हांसदा, बलिंदर सर, बास्ता सोरेन, बास्ता टूडू, भागमात दास के बैसरा कॉम्प्लेक्स, भोजल मुर्मू, विश्वनाथ ओराव, बॉम्बे सो हाउस, बद्रीनाथ माड़ी, विमल मोबाइल शॉप,
बिना पानी वस्त्रालय, भगवत मुर्मू, चैतन हांसदा, चंदन होटल, चिकन पकोड़ा, जिनकी तरफ से ड्रेसिंग टेबल सहयोग के लिए आई है, चांदमुनी माहली उनकी तरफ से बाईसाइकिल आई है, देवी चिकन सेंटर, दिलीप सर, देसाई जितेंद्र सेटेलाइट, जय मां रंगनी, काजल चटर्जी, काजल टेंट हाउस, काला चिकन पकोड़ा, कल्पना मेडिकल, खुदीराम बेसरा, कृष्णा मुर्मू, लच्छू सोरेन, लखन माझी, लाल मुर्मू, लाला बेसरा, लाला मुर्मू, लक्ष्मण माझी, लक्ष्मी बर्तन, लेदा सिंह, लोकनाथ ज्वेलर्स, लखीरा, माँ दुर्गा, छोला भटूरा सिंह, मधुबन क्लोथ स्टोर, माँ दुर्गा बीज भंडार, माँ मोटर्स मुर्मू, माँ सावित्री मोटर्स टीवीएस शोरूम, मधु एक वर्कशॉप, महिंद्रा मोड़ी शेल्टर, माँ जी बाबा, महिंद्रा सॉरी, और भी कई सारे हमारे डोनेटर हैं, बारी बारी से नाम लिया जाएगा और उन्हें दिल ही दिल धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया है हम सभी के उत्साह वर्धन करने के लिए। इस मेज के पश्चात महिला वर्ग का खेल होगा। आप सभी को बता दूं हर एक मेज में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। वैसे सभी दल अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि मैच तो जीतेंगे, साथ ही साथ ऐसा खेल दिखाएंगे ताकि हम हर दिलों में राज कर सके, ऐसा प्रयास चल रहा है हर एक दल की तरफ से। हार जीत लगी रहती है मगर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात होती है। दोनों दल के खिलाड़ी दमखम दिखाते हुए पहली गोल की तलाश होगी दोनों ही दलों को। वैसे दोनों दलों के कप्तान दिलों में अरमान सजा के इस मैदान पे आए हैं कि इस मैच को हर हाल में जीतेंगे ताकि पुरस्कार तक हम पहुंच पाए। जो भी दल इस मैच को जीतेगा पुरस्कार के होड़ में शामिल हो जाएगा और किताबी मुकाबले के लिए भी द्वार खोला रहेगा। टक्कर यहां पे देखी जा रही है, संघर्षपूर्ण मैच, कोई किसी से कम नहीं, कोई हमें पराजित करे किसी का दम नहीं, ये बात साबित होता है। दो अपॉर्चुनिटी तैयार की थी बंगाल की टीम ने मगर गोल में परिवर्तित नहीं कर पाए, थोड़ा सा जरूर मलाल होगा इस बात को लेकर। 39वां संस्करण में हम सभी उपस्थित हुए हैं, पिछले 39 वर्षों से यह प्रोग्राम को रूरल यूथ क्लब बगलासाई बिल्कुल सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा रही है। बाकी जो भी बचे हुए मैच हैं कमाल होंगे, धमाल होंगे और हमारे दर्शक फिर से मालामाल होंगे। ब्लैक टाइगर रांची पीले जर्सी में और नीले जर्सी में है सिद्धू कानू पुरुलिया वेस्ट बंगाल की टीम। गोल्ले की सिंधी पांजाय आगे ताक उनका दो बनान पास गोल पोस्ट ने लोग कहने झाक झाक सुजूर पाया हुई करना और ताक पाया हुई करना और मध्यम तेगे
जीत कर ना रेगा ही हुआ तब जानते नहीं कि आप और इन बहाम इसे रखने से डरे करना कहीं जाना प्रोग्राम रहे आप इस नाम का गरोसो पर जामो कराड़ी रस करना का था आस्था है ना आशा ता है ना आप इस नाम को ठेम मुझे धमी जापे को गरोसो पता है ना और जब वो के रस को उड़ती करने वाखलन माध्यम से आप और इन बहाम को मिशी को सनाम को शिकार करना खेलो नोदू लगी सुनते बहिया पाटा सेना जहां खेल हुई करना पोलो सिर्फ 1,10,000 टका और मिसी पाटा से करना जहां खेल हुई करना वाले पोलो सिर्फ मैंने 10,000 टका रस रोड़ी के चमर जोन रस आलोही मकान तबे वहाँ खेलों रोबन येल की ना ओको अभिनाती ना दम मित पटरे ब्लैक टाइगर रांची और दूसरा पटरे सिद्धू कनु पुरुलिया वेस्ट बंगाल ना खेलने की सेंट है एफसी बलियागोड़ा और जूनियर एफसी जादूगढ़ अभी बनारदोल कैप्टन आर बांग मैनेजर कंकट ने होता है ना आपे को सर चाह आप इन खेलोड़ी हो सपना सुसर करते फोर्थ रोपिया जाएगा भी अभूषण को तब ना वापरी ना खेलोड़ आपे को अभूषण लेके दो टूर्नामेंट की एंडिंग टाइम में लकी ड्रॉ होने वाला है जितने भी हमारे दर्शक भाई बहने एक कूपन लेकर एक टिकट लेकर इस मैदान के अंदर आए हैं प्रोग्राम का लुत्फ उठाने के लिए इसको सेफ रखेंगे सुरक्षित रखेंगे क्योंकि अंतिम पड़ाव में जो एक जबरदस्त कारनामा होने वाला है वो कारनामा में अगर आपका नाम आ जाए तो फिर आपको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा कुछ चमचमाता हुआ साइकिल है और कई नगद राशि भी है कुल मिलाकर 11 पुरस्कार रखा गया है हमारे दर्शक बंधुओं के लिए पहला पुरस्कार बाईसाइकिल दूसरा पुरस्कार 1,000 रुपया तीसरा पुरस्कार 900 रुपया चौथा पुरस्कार 800 रुपया पांचवा पुरस्कार 700 रुपया छह नंबर का पुरस्कार 600 रुपया सातवां पुरस्कार 500 रुपया आठवां पुरस्कार 400 नौवां पुरस्कार 300 दसवां 200 और 11वां 100 रुपया ये सभी पुरस्कार है आप अपने टिकट को बिल्कुल सेफ रखिएगा Yeah,
অবশ্যই একটা অসাধারণ দৃশ্য আপনারা দেখলেন, অদ্ভুত বা অসাধারণ দৃশ্য। যা দল উইন করবে, জয়লাভ করবে, তিনি কিন্তু পুরস্কার পর্যন্ত পৌঁছাবে। পুরস্কার পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য এখানে সংঘর্ষ চলছে। প্রথম থেকে যে মেহনত হয়েছে সেই মেহনত বেকার চলে না যায়, ব্যর্থ চলে না যায়, সেটার জন্য এখানে উভয় দলের অধিনায়ক কিছু একটা প্ল্যানিং তৈরি করেছে এই কপারকে পরাজিত করার জন্য। ব্লিক টাইগার রাঁচি হলুদ জার্সিতে এবং নীল জার্সিতে রয়েছে সিধু কানু একাদশ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরুলিয়া। খেলার ফলাফল এখনো পর্যন্ত শূন্য শূন্য, খুবই বড় কন্টেস্ট এখানে চলছে, প্রথম স্কোরের জন্য সংঘর্ষ করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে একটা সুন্দর সুযোগ পাওয়া গেছে রাঁচির জন্য, সুন্দর এখানে খুবই দুর্দান্ত চেষ্টা ছিল। এইবার বিশেষ বাজানো হয়েছে ম্যাচ রেফারির পক্ষ থেকে, আধার সময় শেষ এবং আধার সময় টাটা স্কাই উত্তম ভ্যারাইটি স্টোর উদয় চৌমিন বর্মা হোটেল বিজয় সরেন যোগেশ যোগেশ অগ্রওয়াল নকুল ওরাও আর জয় মারাঙ্কর, इन सबों का भरपूर सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट में, इस एनुअल प्रोग्राम में। रूरल यूथ क्लब बागलासाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। हमें पूर्ण अपेक्षाएं आप सभी से, पूर्ण आशाएं आप सभी से कि आपका सहयोग इसी तरह बरकरार रहेगा। हर सीजन में चीफ रेफरी के रूप में इस मैच में है मिस्टर फातू किस्कू और असिस्टेंट रेफरी के तौर पर है मैदान के उत्तरी छोर पर मिस्टर गंगा नाडी और दक्षिणी छोर पर मिस्टर सतमान पाता। दृश्य और परिदृश्य आपके समक्ष है और यहाँ पे मौका बना था, बेहतरीन मौका बना था एक शून्य के बढ़त बनाने का, हो चुकी है बहुत बड़ी चूक। अगर ऐसा ही होता रहेगा चूक तो फिर कैसे मिटाएंगे गोल का भूख। ब्लैक टाइगर रांची और सिधु कानू
एकादश पुरुलिया वेस्ट बंगाल के बीच में चलती हुई मैच का परिणाम अभी भी शून्य शून्य है। प्रथम स्कोर के लिए जद्दोजहद हो रही है और इस बीच खिलाड़ी को मौका मिला है। सिद्धू कानू एकादश के खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं, एक खिलाड़ी को विश्राम दी जा चुकी है। पांच नंबर के खिलाड़ी अभी अभी मैदान पे आए हैं पंकज के रूप में। पाड़ा छाड़ की तरफ में जिन किसी को जिम्मेदारी मिली है आप कृपया पाड़ा छाड़ की तरफ चले जाएंगे। पाड़ा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। कल जो टीम पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी नाम को हम आप तक मैं पहुंचाऊंगा। पहला मैच खेला जाएगा ढीला कमेटी और बीएलएसएफए के बीच। दूसरी मैच होगी किंगफिशर पॉट का और ऑल इंडिया एफसी चाईबासा। तीसरी मैच धीरागंज गंगारिया और चंपागढ़ एफसी बोंगाबाड़ी पुरुलिया वेस्ट बंगाल। अंतिम मैच होगी हंटर एफसी और झिलीमिली एफसी वेस्ट बंगाल के बीच। Thank you.
बड़ी सम्मान के साथ मैं नाम लूंगा मिस्टर बुगाई सोरेन, मिस्टर फातू किस्कू, मिस्टर सत्यवान पात्र, मिस्टर तुभराज सोरेन, मिस्टर भीमसेन सोरेन, मिस्टर गम हमाडी और मिस्टर जीतन हमरम जी, ये सभी पधारे हैं। आप सबको हमारे रूरल यूथ क्लब बगलेसर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैच एफसी मलियागुड़ा मुसाबनी और जूनियर एफसी जादूगुड़ा, आप दोनों के बीच मैच खेला जाना है। महिला वर्ग का ये खेल होगा, आप भी खुद को तैयार कर लेंगे। Thank you.
एक दल सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं त्री तुरान डीएफसी, और इसमें जो भी दल जीत हासिल करेंगे सेमीफाइनल में जगह स्थापित करेंगे। दूसरी तरफ ओमेंस कैटेगरी में एफसी बालियागोड़ा मुशाबनी और जूनियर एफसी जातिगोड़ा दोनों सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। बस इस मैच के पश्चात मतलब अगले पड़ाव में एक चैलेंज होगा दोनों के लिए, और उस चैलेंज में जो भी दल एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे उसी को फाइनल में प्रवेश करेंगे। और कल भी आठ दलों के बीच मैच खेला जाना है, पुरुष वर्ग का आठ और महिला वर्ग का चार। कल प्रथम मैच होगी ढीला कमेटी और BLSFA के बीच, दूसरी मैच खेली जाएगी किंग फिशर पार्क का और हॉलैंड एफसी चाईबासा, तीसरी मैच होगी धीरागंज गम्हारिया और चंपागढ़ एफसी वंगाबाड़ी पुरुलिया वेस्ट बंगाल, चौथी मैच होगी हंटर एफसी और झेलीमली एफसी वेस्ट बंगाल। ये आठ दलें पार्टिसिपेट किए हैं अगले कल के लिए, अर्थात 2 फरवरी के लिए। आप सभी आमंत्रित हैं, कल भी आएंगे और हर एक मैच का लुत्फ उठाएंगे।